नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। कल जनपद के मुबारकपुर कस्बे में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा पूरे कस्बे को फायर ब्रिगेड की मदद से सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं लॉकडाउन में लोगों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सकीय सुविधाओं से लैस मोबाइल वैन लगाई गई है। जिलाधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि मुबारकपुर कस्बे और आसपास के गांव में लगातार 2 दिनों से सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में रहने वाले 15 लोगों को चिन्हित कर क्वारंटाइन किया गया है। उन सभी के सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजे गए हैं। सूचनाओं के आधार पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लोग लगातार लोगों पर निगरानी व देखरेख कर रहे हैं। वहीं सचल मोबाइल स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टर सुनील प्रजापति, एलटी प्रशांत वर्मा, फार्मासिस्ट कुलदीप कुमार, स्टाफ नर्स सुनीता यादव आदि सिधारी क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य उपचार दे रहे हैं। हम डॉक्टर सुनील प्रजापति सिम्मा ऑफिस की तरफ से, हम इस लॉकडाउन के दौरान जितने पेशेंट को असुविधा हो रही है, जो बीमार है, लोगों को लग रहा है कि हमें सांस जुकाम सर्दी जुकाम बुखार लग रहा है, नॉर्मली जो पेशेंट हैं वो आके उन लोगों के लिए कैंप लगाया गया है, वो आके दवा ले सकते हैं, दवा दिया जा रहा है लोगों को। और दवा के साथ साथ बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन और टाइफाइड मलेरिया की जांच की सुविधा भी है, तो सब लोग आके अपनी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। सैनिटाइजेशन मुबारकपुर का कल भी किया गया, आज भी किया गया, नवादा गांव का भी किया गया। यद्यपि नवादा के सारे जो रिपोर्ट्स थी वो निगेटिव, मुबारकपुर के मरकज में उन 3 लोगों के अलावा भी 4 और लोग थे और 1 केयर टेकर, उस 3 के अलावा 5 का भी निगेटिव, लेकिन उन 3 लोगों के संपर्क में हमने सर्विलांस कराया तो मुबारकपुर के 15 लोग आए थे समय समय पर, उनको हमने कल ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करा दिया था और आज उनका सैंपल भेज दिया। कुछ सूचनाएं जनपद के विभिन्न हिस्सों से आ रही हैं, कुछ दूरभाष पर, टेलीफोन पर, तत्काल हम लोग SDM और डॉक्टर और CO को भेज रहे हैं। यद्यपि वो सूचनाएं अभी ऑथेंटिक नहीं है, एकाध जगह पर अपना पर्सनल लाइब्रेरी स्कोर करने के लिए भी लोगों ने कह दिया कि मरकज में गया, उसके बारे में जानकारी ली गई तो पता चला वो 6 महीने से घर से बाहर ही नहीं। तो हमें ऐसी चीज़ों पर भी, जहां पर मरकज के लोगों को संदिग्धता में ला करके जहाँ जरूर, अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।